जो प्राथमिकता है हमारा यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले कि विधि व्यवस्था जो है हमें नियंत्रण में रखना है, साथ में अपराध नियंत्रण जिसके अंतर्गत जो है प्रिवेंटिव एक्शन और साथ में जो क्राइम डिटेक्शन, ये हमारा प्रायोरिटी होगा। और उसके बाद जो ऑर्गेनाइज क्राइम है और इलीगल माइनिंग जो है इसके एक्टिविटी को हमको रोकना, ये हमारे प्रायोरिटी में भी है। फिर नक्सल जो है क्राइम जो है उस पर रोक लगाना, और साथ में साइबर क्राइम, वुमेन सिक्योरिटी, ट्रैफिक, ये हमारा जो है टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। और उसके अलावा जो नियरेस्ट जो है आपका मुहर्रम का फेस्टिवल कल मनाया जाना है, तो हम लोगों ने उसके लिए पर्याप्त तैयारी जो है अपने स्तर से कर रखा है। और साथ में फिर जो है कमिंग जो मंथ है उसमें बाय इलेक्शन जो डुमरी विधानसभा का होना है, तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन सम्पन्न करवाना, ये हमारे प्रायोरिटी एरिया में है। सर, इसके पहले भी आप जिले में रहे हैं एज ए प्रोबेशनर के रूप में, जिला उस समय और अब में क्या सर आप अंतर देखिएगा? सर जो हमें जो पिछले एक दिन में जो हमें जो जो आइडिया लगा, जो अनुभव लगा यहाँ आने का, कि जो उग्रवाद की गतिविधियाँ जो उसमें प्रायोरिटी हुआ करती थी, पुलिसिंग के लिए सबसे अधिक चैलेंजिंग था नक्सल, चाहे वो झुमरा का एरिया वाला हो चाहे नावाडी का एरिया हो, तो आज के डेट में बोकारो जिले में माओवाद के नाम पर या सिक्योर माओइस्ट का एक दस्ता ही बहुत छोटा सा जो है वो एक्टिव है। तो ये जो है एक आमूलचूल परिवर्तन जो पिछले 10 सालों में ये देखने को मिला है। और उसके बाद जो है पुलिसिंग जो रहा है, मतलब ये काफ़ी अधिक जो पहले के कंपैरिजन में आज हाईवे पेट्रोलिंग या पीसीआर वैन जो इस समय नहीं हुआ करता था, तो ये चीज़ जो है पुलिस का जो अप्रोच या उसका जो रीच है मतलब आम पब्लिक तक पहले के कंपैरिजन में आज अधिक हुआ है। सर महिलाओं को लेकर क्या खास रहेगा सर, कि सर महिलाओं का जो उत्पीड़न का मामला भी आजकल काफ़ी आता है सर? देखिए शहर में खास करके जो चूँकि ये एक प्लांट सिटी है और यहाँ पर पहले भी हम लोग देखे हैं कि मतलब सीन स्नैचिंग वाले मामले काफ़ी अधिक यहाँ पर जो है मतलब रिपोर्ट किए जाते रहे हैं, और अभी अपराध का आंकड़ा हमने देखा नहीं है। बट हमारा जो प्रायोरिटी होगा खास करके जो जो महिलाएं हैं मतलब उनके लिए जो चैन स्नैचिंग वाले इवेंट्स वगैरह जो जो इंसिडेंट शहर में रिपोर्ट होते हैं, मतलब उन पर जो है एक सक्रिय पेट्रोलिंग के जरिए जो है अपने विमेन पदाधिकारी और महिला कॉन्स्टेबल्स की टीम बना करके अपने जो टाइगर मोबाइल्स का दस्ता या पीसीआर को एक्टिवेट करके इन महिला रिलेटेड जो भी जो क्राइम यहाँ पर होते हैं उन पर अंकुश लगाना हमारे महिला सुरक्षा ऐप चालू किया गया था कार्तिक सर थे उस समय, उसको फिर से चालू किया जाएगा? मैं उसको एक बार रिव्यू कर लेता हूँ, चूँकि यहाँ पर अभी मेरा आए एक दिन हुआ है, तो मैं पहले क्या यहाँ पर जो है इस संदर्भ में क्या इनिशिएटिव लिया गया है बोकारो पुलिस के द्वारा, एक मैं इसको रिव्यू करके उसमें जो भी कदम उठाने लायक होंगे मैं उसमें जरूर कदम उठाऊंगा। बोकारो में पॉलिटिकल प्रेशर काफी ज्यादा रहेगा, उससे कैसे निपटेंगे? देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपका इंटेंशन काम करने का सही है मतलब, तो फिर आप उसके जरिए हर किसी तरीके के आप फैक्टर को आप टैकल कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका इंटेंशन जो है काम करने का वो क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मुझे उम्मीद है कि मतलब अच्छे इंटेंशन के जरिए बाकी चीज़ों को टैकल करूंगा। बोकारो में लोहा कोयला घटनाएं आए दिन इसमें होती रहती हैं। बैरमो का जो इलाका है कोयले क्षेत्र है, वो उसमें काफ़ी चोर जो हैं कोयला चोरी करते हैं, तो उस पर किस तरह आपका लगाम रहेगा? देखिए सर, ये मैंने पहले भी बताया कि मतलब जो इलीगल माइनिंग और जो ऑर्गेनाइज क्राइम, ये हमारे प्रायोरिटी एरिया में है। चूँकि जो बोकारो है आपका, ये माइनिंग एरिया भी है यहाँ पर, चाहे वो कोल का रहा हो या फिर आयरन रिलेटेड हो, ये हमारे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में है। और जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उन पर जो है विधि सम्मत कार्रवाई जो है हमारे स्तर से की जाएगी। सर, बोकारो जिले के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के साथ जो शोषण हुआ करता है, उस पर आपका क्या राय है? देखिए उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि मतलब जो हमारे थानाज हैं मैं उसको एक्टिवेट करूँगा, और ख़ास करके जो केस टाइमली रिपोर्ट हो और उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि जो है जो एक्यूज है मतलब उनका कन्विक्शन और उनको जो विक्टिम है उनको जस्टिस मिले, ये हमारे प्रायोरिटी में रहेगा।